मार चाट लगी है उस बंदे पे क्या रहा है। हम गरीब लोग लगी है चाट, पिछले साल लगी यही टेम था, पिछले साल चाट लगी, मैं क्या करूँ, किस करूँ, मेरा घर का काम कौन करेगा। मैं विकास राज गई थी, इनको भेजा मैंने, मां जाओ अब लाइट चला गया, जाई क्यों नहीं पीछे गया, वही क्यों नहीं पीछे गया, इनकी गलती है ना कि पीछे क्यों जाते, लाइट बंद क्यों नहीं करवाते, ये अच्छा काम है इनका। पीछे बैक करो, कैटर डाल दो, कैटर दोनों को डाल दो, कैटर दोनों को डाल दो। तो वहाँ ये नहीं पहुँचे तो आप अगर AWS के साथ जाए तो क्या है जाने का उसका, ये इंसानी फर्ज तो बनता है। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप भी तो हम ऐसे हैं ना, मेरी बात सुनिए, आप भी कभी वो बेटा है भाई है जो है आप हम ऐसे ना, मुझे ये बताओ इस जे का ये क्या काम है, अगर उसकी ड्यूटी सनेई में है तो लसाना में उठा के कैसे ले गया, और ऊपर से उसको फोन करता नौकरी कर रही है वो, अगर वो शरीफ जैसा इंसान है तो उसको कभी मुँह से बात भी नहीं निकलती है, लाइट चला देता है, क्या समझता वो अपने आप, हम मर जाएंगे सर, ये कौन सा तरीका है। तीन बार दूसरे लड़के को तीन मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं कहीं गाड़ी लेके कहीं काम गया हुआ था, लेकिन एई साहब को और एक्सियन साहब को और जय साहब को ये होना चाहिए कि हर बार ये क्या है, हर बार ड्रामा होता है, महकमे की इलीगल तरीका है कि महकमा शट डाउन क्यों नहीं ले सकता, अगर कोई काम कराना है, कोई मान लो क्या है कि कंडक्टर वायर में कोई प्रॉब्लम है तो उनको क्या है कि शट डाउन लेना चाहिए, ऐसे ही बस क्या लगा देते हैं तो करते हैं क्या, ये ड्रामाबाजी चलती है और महकमे में कोई बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है, यहाँ तो उनके खिलाफ FIR होने चाहिए, यहाँ महकमे के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मेरी DC साहब से यही एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हमारा बंदा हमें पता है हमें सट लगी हुई है, ठीक है नहीं। और मेरी आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि उनके खिलाफ PDD महकमे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये थोड़ा है कि शट डाउन लेंगे नहीं और काम करवाएंगे, पीछे से शट डाउन लिया नहीं तो काम करवा लिया इन्होंने। मैं भी अभी आया कि दो लड़के जो काम कर रहे थे फीडर पे, ये लसाना से दुंदक जो एक फीडर जाता है वहाँ पे, दो लड़के ये एक कैजुअल लेबर है, परमानेंट एम्प्लॉई है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो ये वहाँ पे काम कर रहे थे तो कह रहे हैं कि अचानक लाइट आने से इनको बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, इनको हॉस्पिटल लाया गया हुआ है। अभी अभी BMO साहब से भी मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इनको हम फर्स्ट एड दे दिया हुआ है और थोड़े स्टेबल हैं, लेकिन अभी हम इनको फौरी तौर पर रजौरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, एक ही CT स्कैन की भी जरूरत है, वो भी ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो बाकी देखते हैं ये लाइट के का मसला जो था वो कैसे ऑन हो गए या बंद। फैमिली की तरफ से फैमिली के कुछ मेंबर हमें मिले हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि पहले भी दो बार ऐसा हो चुका है, तो ये डिपार्टमेंट की लापरवाही रहती है या क्या होता है, ये तो पार्ट ऑफ इंक्वायरी रहेगा, तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर सकते, तो जो भी होगा उसके बाद ये इंक्वायरी का पार्ट है, तो उसके हम देखेंगे।